दिखाया है बदतमीज कहीं की तुमने मेरा मेकअप खराब करा दिया है। टूट चुका है देखिए, इसकी टांग टूट चुकी है। लुक एट दिस, देखिए हाउ मच। खुल के तारीफ किया करो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। और आज है फ्राइडे और ना अभी मैं ना सोची थी कि आज मैं थोड़ा सा रेडी हो जाऊँ, क्योंकि आज फ्राइडे है ना, तो फ्राइडे मैं थोड़ा सा तैयार हो जाए बंदा। इतना अच्छा दिन है और मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ ली है और नमाज़ पढ़ के और सब कुछ करके अब मैं आई हूँ, अब मैं रेडी होने लगी हूँ। तो चलिए अब देखिए आप मेरे साथ साथ आज रेडी हुए। आज मैं आपको बताऊँगी कि मैं जल्दी जल्दी से कैसे रेडी होती हूँ। और मैं मतलब बहुत ज़्यादा रेडी नहीं होंगी, थोड़ा बहुत नॉर्मल रेडी होंगी। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या यूज़ करूँगी आज अपने मेकअप में। सो लेट्स गेट रेडी विद मी। सो गाइज अभी जो है ना रेडी होते हैं जल्दी जल्दी से, इफ्तार का टाइम हो रहा है बिल्कुल ठीक है, और इसलिए मैं जल्दी जल्दी से रेडी हो जाऊँगी, जल्दी जल्दी मतलब कि फटाफट। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी एलोवेरा जेल अपने फेस के ऊपर अप्लाई करूँगी, क्योंकि एलोवेरा जेल जो है ना वो मेरे फेस पे कोई मेकअप से फिर कोई अगर पिंपल वगैरह बन जाए ना वो नहीं फिर बनता मेरे मुंह पे, इसलिए मैं एलोवेरा जेल लगा रही हूँ लगा रही हूँ। और इसके ये बिल्कुल अगर कोई पिंपल वगैरह बने भी हो तो ये उनको साफ कर देते हैं, मतलब के अभी मैं लगाने लगी हूँ बेस, मैं बिल्कुल थोड़ी सी लगाऊंगी क्योंकि जो है ना ज़्यादा नहीं लगानी, इस पर तो ज़्यादा ही लग रही होगी। मैंने बिल्कुल हल्का हल्का सा रेडी होने, हल्का हल्का सा हल्की आंच पे, जैसे हल्की आंच पे पकती है ना वो चीज़, वैसे हल्की आंच पे रेडी होने ताकि बहुत ज़्यादा भी ना लगे और बहुत कम भी ना लगे ठीक है, क्योंकि अभी मैं कहीं जा नहीं रही ना इस वजह से। और अभी मैं कहीं जा नहीं रही इस वजह से भी मैं अपने कानों को ऐसे ही छोड़ रही हूँ, कुछ भी नहीं लगा रही। तो अगर आपने कहीं तो मतलब कि अगर आप लोगों ने कहीं जाना है ना तो अपने कानों को और अपनी गर्दन को तो बिल्कुल नहीं भूलना, ये भी अपना हिस्सा है ठीक है ना। इस वजह से थोड़ा थोड़ा सा यहाँ भी कर लेती हूँ, अपनी है बेचारी गर्दन भी, ताकि अच्छी तो लगू ना। कानों को भी थोड़ा सा रख लेती हूँ, चलो बस इतना सही लगा था। अभी मैं देखो मेरा रख के बैठी हुई है, अभी इसके साथ जो है ना इसके साथ मैं कंट्रोल करूँगी थोड़ा सा ऐसे, हाँ इसके साथ ही करूँगी। ये है रिवाज कानों का, और ज़्यादा इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ती, मुझे क्योंकि अब ये इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, इस वजह से मैं इसको कम ही यूज़ करती हूँ, लेकिन करती ज़रूर हूँ। एक ही ब्रश काफी होता है सारा मेकअप करने के लिए ठीक है ना। और सुनाओ जी बाल बच्चे कितना ताड़े, और सुनाओ गाइस ताड़े बाल बच्चे कितना, होप सो के ठीक होंगे गाइस बेचारे, चाहे कमा रहे हैं नजर आ रही है मेरी कंटूर। तो चलो अब आई शेडो के लिए भी मैं ना यही वाला यूज करूँगी, ये वाला, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है और मुझे पसंद है। और
ये बिल्कुल फिट रहता है। मैं कौन सा कलर लगाऊँ, हल्का सा ये वाला लगाऊँ क्योंकि ये वाला कलर मुझे पसंद है। लग गया? आप लोगों से पूछ रही हूँ, बताओ लग गया ना? कैमरामैन तुम भी बता दो। और बस ये कि यार मैं आप लोगों की वजह से छोटे शीशे में मेकअप कर रही हूँ, क्योंकि उस वाले मिरर में इसलिए नहीं कर रही क्योंकि फिर मैं आपको मेकअप करती हुई नजर नहीं आऊंगी ना, यू नो। और अब जल्दी से अपने आईब्रोज सेट कर लेते हैं। यार आईब्रोज सेट करने के लिए भी ना बस मेरा सारा मेकअप एक्चुअली ख़त्म हुआ हुआ है और ना सारी चीज़ें भी टूट फूट गई हैं, इस वजह से बस फिर अब थोड़ा बहुत गुजारा ही कर रही हूँ। एक्चुअली आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते ना, इस वजह से अभी ज़रा आईब्रोज सेट कर लेते हैं, जो कि मैंने बनाए तो हुए नहीं हैं लेकिन फिर वही सेट तो कर लेते हैं ना, बनाए नहीं हुए तो क्या मतलब। अच्छे लग रहे हैं? और फिर ये लगाऊंगी ऐसे करके, यार मैं आपको बता रही हूँ ना मेरी सारी चीजें टूट गई हैं और खत्म हो गई हैं, तो मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ क्योंकि वाकई ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ अपना, ये देखें ये भी मेरा टूट चुका है, देखें इसकी टांग टूट चुकी है, ये लुक एट दिस, देखें बगैर उसके ये हो रहा है लेकिन फिर भी मैं इसको इस्तेमाल ज़रूर करूँगी, ऐसे करके इस्तेमाल करूँगी, ठीक है? हो जाएगा एंड लीव, डोंट वरी डोंट वरी। पता है मुझे, डेली करती हूँ, हो गया ना? अभी इस आँख की बारी। अच्छा तो यार अभी आप लोग जब मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दोगे और मुझे फेमस कर दोगे, और अभी मैं ये वाला लुक कर लूंगी। काजल मेरी आंखों पे लगाया हुआ अच्छा नहीं लगता इसलिए इसमें लगाती हूँ, क्योंकि पहले ही इतनी बड़ी बड़ी हैं और फिर ज़्यादा और ज़्यादा बड़ी हो जाती है, भयानक लगने लग जाती है। अभी मैं आपको खोल के दिखा दूँ ना, आपने इधर ही वीडियो छोड़नी और भाग जाना, इस वजह से मैं खुद खोल के नहीं दिखाऊंगी, इसलिए मैं इतनी सी खोल के रखती हूँ ताकि आप लोग डरो ना। चले जी अब बारी है सबसे फेवरेट चीज़ की, मतलब कि ब्लश ऑन की। ब्लश ऑन कौन सा कलर लगाऊँ? आपने फूक मार ली नहीं है ताकि आगे वाला जो मस्कारा कह रही हूँ, आगे वाला जो लगा हुआ है ना ब्लश ऑन, अच्छा खैर छोड़ो ये तो एम एम ही था। अच्छा ये वाला ब्लश ऑन लगाती हूँ, ठीक है? वाओ नजर भी आ रहा है क्या नहीं कैमरामैन? थोड़ा सा और लगा रहा फिर नजर आएगा। हाँ, इसमें बन जाऊँ असली में और उसमें थोड़ी सी हसीन लग। नो पिंकी पिंकी इधर भी लगाऊंगी, अब बताओ कैमरामैन थोड़ा सा और। शट अप बदतमीज, बदतमीज कहीं की तुमने मेरा मेकअप खराब करा दिया है। चलो अब इसको रगड़ लेती हूँ। मैं भी किससे पूछ रही हूँ, कैमरा मैन बड़े हैं क्या कह रही हूँ, खुद पे बिलीव होना चाहिए अंदली, बदतमीज है तुम जो पूछती हो लोगों से। यार ना पूछ No, well and good. अब तो मैं तुमसे नहीं पूछू कैसा लग रहा है क्योंकि मुझे खुद पता है मैं अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हूँ। और अब मेन मेन चीज
लिपस्टिक हो ये जल्दी करो इफ्तारी का टाइम हो रहा है। लिपस्टिक में ये ऑयल लगाऊंगी। सो गाइस अभी मैंने लिपस्टिक वगैरह लगा ली है यस और मैं अच्छी लग रही हूँ, बहुत अच्छी लग रही हूँ। आप लोग कमेंट करके बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। और ये जो बैठी है ना मेरी वीडियो बना रही है इसकी तो मैं टांगें तोड़ूंगी, इसने मेरा ब्लश और खराब करा है। अच्छा खैर अभी मैं जल्द जल्द से हेयर स्टाइल बना लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। 1 2 3 चुटकी बजा के हेयर स्टाइल बनाते हैं। 1 2 3 गो गाइस। मैं ये वाली इयररिंग्स पहनने लगी हूँ और ये वाली रिंग पहनने लगी हूँ। और मैं हेयर स्टाइल ऐसा मैंने बनाया है क्योंकि मेरे बाल गीले थे, इस वजह से मैं इनको कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि बस बाल गीले हैं ना इस वजह से। इतना ज़्यादा परफ्यूम लगाती हूँ। सो गाइस ये रही मेरी फुल लुक। अभी मैं आपको बाहर चल के दिखाती हूँ और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, नहीं किया ना तो कर दो यार, क्या मसला है तुम लोगों का। अच्छा खैर अभी आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। हाँ कर दिया, ओके थैंक यू। वो जिंदर पड़ा हुआ है। चलो आओ तुम मेरी फुल लुक दिखाओ। फुल लुक दिखा दी थी मुझे दिखाओ। अच्छा एक मिनट के लिए मेरी फुल लुक दिखा दो बस। आप बताओ निशा अच्छी लग रही है। हाउ मच फुल की तारीफ किया करो। बहुत अच्छी बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो। आप लोगों ने भी ऐसी तारीफ कर दी है। ओके चलो आज और टाइम भी कितना रह गया, 5 मिनट नहीं 10 मिनट अभी तो काफी टाइम रहता है। 10 मिनट हाँ 10-15 मिनट रहते हैं। तो चलो जल्दी जल्दी से तारीफ का वेट करते हैं और फिर तारीफ करते हैं। तो गाइस अभी इफ्तारी का टाइम बस 10 मिनट रह चुका है और मेरा रोज़ा आज इतना अच्छा गया है, इतना अच्छा माशाल्लाह जा रहा है ना। आई होप सो कि आप लोगों का रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे, आप लोगों का रोज़े भी। मैं पागल हो गई हूँ, मेरा दिमाग हिल गया मुझे लगता है, मुझे लगता है रोज़ा नहीं, खैर रोज़ा तो नहीं लग रहा बस थोड़ा बहुत लग रहा है। और ना आई होप सो कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाजमी सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को और कमेंट भी कर देना और सब कुछ कर देना। और चलो अब इफ्तारी करते हैं। सो गाइस अभी इफ्तारी हो रही है और मैंने ये आलू के कटलेट्स मैंने खाए हैं और उधर से बढ़िया होती रही है सबसे मेरा फेवरेट होता है। और ये जो बदतमीज़ लड़का ये हमेशा बदतमीजी करता है टेबल में बैठ के और ये बहुत ही बदतमीज़ करता है। इसका अलग टेबल होना चाहिए वहाँ पे। मीरम भी इसके साथ लड़ाई हो रही है इस वजह से मीरम सड़ी बैठी है सबसे। सड़ी नहीं है वो। और आपको क्या मेरी कुछ भी लड़ाई क्या भी कुछ भी तो बताओ। आप खुद भी तो सड़ी बैठी हो उसको भी कह रही हूं। मैं तो नहीं सड़ी बैठी, मैं तो नहीं सड़ी बैठी, तुम सड़ रहे हो अभी, तुम सड़ रहे हो। इधर से ज्यादा आ रही है यार ग्रीन कलर की, वो भी ग्रीन कलर की आए मुझे तो आपसे आ रही है। मैं तो अभी इतना परफ्यूम लगाया है ना मेरा, परफ्यूम लगाने से कुछ नहीं होता जब बंदे की खुद की बना रहे। सो गाइस अभी मैं इफ्तारी कर लूं और फिर आपसे मिलती हूं। उफ लानी जो इसके साथ लड़ाई हो गई है मेरी, बस अब स्कूल नहीं आई शक्ल ऐसा क्या। वाओ यू लुक सो हैंडसम। दोबारा करो, अब तो वो रिकॉर्ड हो गया, वो कौन सा काटा जाएगा। एडिटिंग तो मैंने करनी है, ऐड हो गया अंदर, सबसे पहले यही लगेगा। सो गाइस ये मैं खाने लगी हूँ बैंगन का सालन। थोड़ा सा मैंने खुद ही ऐसा रखवाया था क्योंकि मुझे बैंगन इतना पसंद नहीं है और आलू मैंने बिल्कुल भी नहीं डाले, ये सिर्फ मसाला है। और ये है आलू के कटलेट्स बनाए थे गाइस आपको पता और है? नहीं नहीं हमें नहीं पता, चुप कर जाओ। और ये मम्मा ने अंडे और सूजी वाला हलवा बनाया था वो खाऊंगी। इनकी गाइस पता है किस बात में लड़ाई हो रही है गाइस आपको पता है? एक माउंटेन कोल्ड ड्रिंक भी होती है। हाँ तो उनको पता है माउंटेन ड्यू है ना मेरा माउंटेन ड्यू।
मैं माउंटेन ड्यू का था, इस तो ही नहीं होना, सारी इसकी गलती है। लो जो इसका साथी बना हुआ है उसको ये नहीं कह, कोई साथी नहीं बना हुआ, ये भी जाओ जाओ यार। मेरा फिलहाल तो तुम्हारा साथी है ना। हाँ। फैलाया तो हुआ है ना उसका, फैलाया किया था राइस का, इसने सुना ही नहीं। सारा किया था राइस के माउंटेन, सही है नहीं, तुमने कहा ही इतना। हाँ तुमने कहा माउंटेन माउंटेन माउंटेन, मैंने पूरा कहा था। क्या कहा था तुमने? माउंटेन। उन्होंने पूछा ना कौन सी कोल्ड ड्रिंक है ये, तो हमने माउंटेन माउंटेन। पापा जी ने पूछा कौन सी कोल्ड ड्रिंक है, कहती क्या कहती माउंटेन 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 माउंटेन। तुम तो हाय अम्मा, इसको सारे पिद्दा कहते हैं क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ ना, इसलिए मुझे पिद्दा कहते हैं। जो लोग होते हैं उन्हें छोटे उसको क्या क्या जाऊँगा। ये टॉपिक बदल दिया गाइस, पर टॉपिक बदल दिया क्या? मैं कुछ नहीं, कुछ नहीं ना।